वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा। स्टूडेंट टुडे आई एम टेकिंग द अनदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रिलेटर थ्योरम सेक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ द थ्योरम सेक्शन स्टूडेंट? इन द प्रीवियस वीडियो वी सीन अबाउट द 8.1, 8.2, वीडियो नंबर 1 रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रिलेटर थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, दैट मीन्स 8.1, 8.2, इन वीडियो नंबर 2 8.3, 8.4। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। वी हैव टू प्रूव इन एन पैरेललोग्राम। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस स्टूडेंट? अगर जो हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है, पहले मुझे बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम होता क्या है? अ शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर तो हो गई ए बी सी डी। अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। हियर ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। फिर से मेरे साथ बोलिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। वी हैव टू प्रूव टूडे, वी हैव टू प्रूव ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ दिस। सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ आया? इन एन पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, मुझे प्रूव करना है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, थ्योरम ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट। जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट दैट मीन्स अ स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टेटमेंट? क्वेश्चन अंडर इन्वर्टेड कॉमा, स्टेटमेंट कंप्लीट। नाउ फर्स्ट पॉइंट आफ्टर स्टेटमेंट गिवन दैट, क्या दिया है स्टूडेंट? फर्स्ट पॉइंट होता है गिवन दैट, सेकेंड पॉइंट टू प्रूफ, थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी थ्योरम, दैट मीन्स अ प्रूफ। ओके स्टूडेंट, कैसे करेंगे थ्योरम को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। क्या दिया है? ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। फर्स्ट वन एंड कॉमा स्टूडेंट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू बी सी। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूव करना है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल बी विल बी इक्वल ऑफ एंगल डी एंड फ्रॉम दिस साइड एंगल ए विल बी इक्वल ऑफ एंगल सी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में देखिए, क्या कंस्ट्रक्शन करा? वी जॉइंट, ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट ए टू सी, जॉइंट जॉइन ए सी। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्टूडेंट, दैट मीन्स प्रूफ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कैसे प्रूव करेंगे?
अगर जो हमको पुराने वीडियो देखे हैं तो हमको समझ आ गया है इन दोनों ट्राइंगल को सर इक्वल एंड सिमिलर प्रूव करेंगे। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द इक्वल एंड सिमिलर, दैट मीन्स अ कॉन्जुरेंट। सबसे पहला होता है राइट एंड साइड, सेकेंड नंबर पे साइड एंगल साइड, थर्ड नंबर पे एंगल साइड एंगल, फोर्थ एंगल एंगल साइड एंड लास्ट वन साइड 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 थ्योरम। ओके माई डियर स्टूडेंट, We have to follow basic rules related to equal and similar। इनमें से किसी एक property को satisfy करना होगा जब जाके हम बोल सकते हैं both triangles are equal and similar। जब दो triangle equal and similar होंगे मतलब उसकी हर एक चीज equal, तो हम बोल देंगे angle B equal to angle D। Okay student, now we taking the triangle upper triangle, that means a triangle ADC, triangle ADC and triangle ABC, upper triangle and lower triangle। Student, we know that very well, this side will be equal of this side will be equal of this and this is a common side। ध्यान से देखिए, AD will be equal of BC, मैंने number वन लिखा है, ठीक है। second वन AB base and upper roof BC equal to DC, reason लिखेंगे given that and here also given that। okay student, next one and AC will be equal of AC, that means a common side। student, in any triangle if three things are equal, statement 1, statement 2, statement 3, so we can say both triangles are equal and similar। You know that very well, किसी भी ट्राइंगल में तीन चीज बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड सिमिलर। By using side sub theorem, such that we can say angle B equal to angle D। Okay student, अगर जो हम इस डायगोनल को इधर स्क्रैच करते हैं तो वी गेटिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, मतलब सिमिलरली वी कैन से एंगल ए विल बी इक्वल ऑफ एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार देख लीजिए, मुझे क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 8.5, फर्स्ट वन, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वी हैव टू प्रूफ इन एनी पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। व्हाट इज द मीन ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। स्टेटमेंट, we have to prove opposite angles are equal, that means a equal to c or b equal to d। construction student, joint ac, हमको दो ट्राइंगल मिले, दोनों ट्राइंगल को हमने इक्वल एंड सिमिलर प्रूव करा बाय यूज ऑफ द साइड थ्योरम, सो वी कैन से ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द नेक्स्ट थ्योरम। The statement of the theorem, the diagonals of the parallelogram bisect each other. Rule number one, read carefully maximum time। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहे थ्योरम के फॉर्म में तो उसको बार बार पढ़िए ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि सभी थ्योरम के स्टेटमेंट लगभग एक जैसे होते हैं। माय स्टूडेंट, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस स्टूडेंट, गिवन दैट पैरेललोग्राम, मुझे पैरेललोग्राम दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट,
एंड सेकेंड वन वी हैव टू प्रूव बायसेक्ट ईच अदर दैट मीन्स दिस पार्ट विल बी इक्वल ऑफ दिस एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल ऑफ दिस. ओके, क्या समझ आया स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर. That means parallelogram is given and we have to prove diagonals bisect each other. Student, every theorem start with the statement. जब भी हम theorem को करेंगे तो we will start with the statement. क्या statement है? Statement always written under the inverted comma. सेकेंड वन गिवन दैट, धीरे धीरे समझेंगे तो हमको समझ आने लग जाएगा हमको क्या दिया है. गिवन दैट क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सच दैट, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दिस साइड पैरेलल टू दिस and this side parallel to this. Okay student, that means AD will be equal of BC and AD parallel to BC and AB parallel to DC, AB equal to DC and AB parallel to DC. बोलिए फिर से मेरे साथ एक बार, what is the main property of parallelogram? In the case of the parallelogram, opposite sides are equal and parallel to each other. We have to prove diagonal bisect each other. That means second point to prove. मुझे क्या prove करना है student? ध्यान से देखना, क्या prove करना है student? First one, OD will be equal of OB. And second one OA will be equal of OC. क्या बोला? फिर से बोलिए. ठीक है, diagonals bisect each other. That means this part will be equal of this and this part will be equal of this. Okay student, now we taking the next and most important part, proof. तो where is the construction? Construction का मतलब क्या होता है? Construction if you required then draw. Otherwise, you can skip this point. तो अगर जो हम construction को skip कर दें तो हम आते हैं proof पे. We used any two triangle. Okay, my dear student, आप कोई से भी दो triangle का use कर सकते हैं. चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, depends on you. तो हम हमारा थोड़ा सा benefit देखेंगे, हमको कौन से चाहिए. ठीक है, सभी में लगभग same benefit है. Now we studying. Now we take a triangle. In a triangle AOD and triangle BOC. Okay student, हमने कौन से triangle लिए हैं? Opposite triangles. First one triangle AOC and second triangle BOC. ध्यान से देखना student. By the property of the parallelogram, this is a alternate angle. This angle will be equal of this and second one this angle vertical opposite angle. फिर से बोलता हूँ student, अगर जो कहीं पे भी दो line parallel है, for example DC and AB parallel to each other and third line intersect them, so here angle will be equal of alternate angle. याद रहेगा this property are known as the alternate angle property. And second one, when two lines are bisect to each other, so this angle will be equal. अगर जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को bisect कर रही है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? Equal. Okay student, and third one, opposite sides are equal. फिर से देख रहा हूँ, angle one, this angle will be equal of this, and second one, this angle will be equal of this by property of vertical opposite and this side will be equal of this. Okay student, मतलब मुझे कहीं ना कहीं कितने एंगल मिल रहे हैं? दो एंगल और एक साइड. तो दो एंगल और एक साइड को डिफाइन करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड. तो अब आप समझिए, चलिए
इस थ्योरम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका बेसिक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है स्टूडेंट। या तो मैं एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ, अदरवाइज वी हैव टू यूज़ एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होना चाहिए? सर ये जो साइड है, अगर जो ये इन दोनों एंगल के बीच पे डिफाइंड होती, ओके स्टूडेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं इस वाले एंगल का यूज़ करता, अगर मैं इस एंगल का यूज़ करता एंगल वन एंड एंगल टू, तो ये साइड इन दोनों के बीच में होती, करेक्ट। तो मैं वहाँ पर एंगल साइड एंगल थ्योरम का यूज़ करता। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द एंगल साइड एंगल? यहाँ पर जो साइड है, साइड दैट मीन्स इंक्लूड साइड, जब दोनों एंगल के बीच में साइड हो, जब दोनों एंगल के सो स्टूडेंट, अगर जो ये साइड दोनों एंगल के बीच पे डिफाइंड है, तो वी हैव टू यूज़ एंगल साइड एंगल थ्योरम। और अगर जो साइड जो है एंगल के बीच में नहीं है, ओके स्टूडेंट, जैसे हमने ये एंगल लिए हैं, तो यहाँ पर जो साइड है वो आउट ऑफ एंगल है, तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? एंगल एंगल साइड। इन दोनों में डाउट आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हेन साइड बिटवीन द एंगल्स वी यूज्ड एंगल साइड एंगल, एंड व्हेन साइड अपार्ट ऑफ द एंगल वी यूज्ड एंगल एंगल साइड। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा हमने यहाँ पे ले लिया है एंगल वन विल बी इक्वल ऑफ एंगल वन, व्हाट कौन सा? अल्टरनेट एंगल्स, ओके स्टूडेंट। सेकेंड वन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंड थर्ड वन ऑपोजिट साइड। सो कौन सी थ्योरम यूज़ करना है? एंगल एंगल साइड। फर्स्ट वन एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ विल बी इक्वल ऑफ ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? अल्टर नेट ऑपोजिट एंगल। सेकेंड स्टूडेंट हियर डी ओ ए, एंगल डी ओ ए विल बी इक्वल ऑफ बी ओ सी, बी ओ सी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट वन स्टूडेंट दी साइड, दैट मीन्स ए डी विल बी इक्वल ऑफ बी सी, ए डी विल बी इक्वल ऑफ बी सी, दैट मीन्स यहाँ पर गिवन डेट भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। स्टूडेंट बाय यूज ऑफ द स्टेटमेंट 1, 2, 3 वी कैन राइट बोथ ट्राइंगल आर इक्वल एंड सिमिलर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड सब थ्योरम। ओके स्टूडेंट, सच दैट बाई यूज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सी पी सी टी, क्या होता है सी पी सी टी? क्रॉसपॉन्डिंग पेयर ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड, वी कैन से इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखिए ओ ए विल बी इक्वल ऑफ ओ सी, ओ ए विल बी इक्वल ऑफ ओ सी, एंड ओ डी विल बी इक्वल ऑफ ओ डी, ओ डी will be equal of OB, hence proved. Okay student, फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या करा, हमको क्या करना था? The diagonal of parallelogram bisect each other. We have to prove the diagonal, that means OB will be equal of OD and OC will be equal of OA. Student, क्या दिया है? क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ सी। हमने क्या करा? वी सिलेक्ट अ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया? ठीक है, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को हमने सिलेक्ट करा, और इसमें तीन चीज़ें, फर्स्ट वन एंगल वन इक्वल टू एंगल वन अल्टरनेट एंगल, सेकेंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, थर्ड वन ऑपोजिट साइड। सो बाय यूज ऑफ एंगल एंगल साइड वी कैन राइट बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड सिमिलर। सो बाय यूज ऑफ द सी पी सी टी वी कैन राइट ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द 110% सोल्यूशन रिलेटेड टू थ्योरम नंबर 8.6। थैंक यू सो मच दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा स्टूडेंट।
Please like this video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.